में सरकार है, इसको लेकर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का हम बाहर से पूरा समर्थन करेंगे। राज्यपाल को हमने लिखित तौर पर भेजा है, सरकार को बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवाएं राज्यपाल, अगला कदम कांग्रेस को भी उठाना होगा। बदलाव के लिए कांग्रेस राज्यपाल को लिखित में भेजे, इससे पहले जब समर्थन की बात दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला की तरफ से की गई थी तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो लिखित में दें राज्यपाल को, उसके बाद आगे कुछ किया जाएगा, हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला ने आगे दांव खेला है, बड़ा बयान आया है उनकी तरफ से, कहा गया है अविश्वास प्रस्ताव को हम बाहर से पूरा समर्थन करेंगे। राज्यपाल को बकायदा लिखित तौर पर भेजा गया है, सरकार को बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवाएं ये गवर्नर को कहा गया है, अगला कदम कांग्रेस को उठाना है क्योंकि कांग्रेस ये तो जरूर कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। आरोप यहां तक लगाए जा रहे विरोधियों की तरफ से कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, इसी वजह से 6 महीने में जो एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो बजट सत्र में लाया जा चुका है, ये साजिश के तहत हुआ था। लेकिन अब देखना होगा कि जेजेपी के इस कदम के बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बदलाव के लिए कांग्रेस राज्यपाल को लिखित में भेजे, वो समर्थन करेंगे, बाहर से उनका समर्थन जारी रहेगा। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी आज बहुमत में चली गई है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 MLA, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दिया और 3 MLA इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट से गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। से कल ही लिखित में महामहिम को चिट्ठी भेजी गई है जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वो तो महामहिम राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराना है और फ्लोर ऑफ द हाउस 44 का आंकड़ा पार करना, क्योंकि 88 विधायक है, 45 की सहमति लेना, ये इनकी सरकार का लक्ष्य रहेगा। देखते आने वाले समय में कितने विधायक इसके अंदर इनके साथ 44 में से मिले। वहीं रणजीत चौटाला से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, इस दौरान रणजीत चौटाला ने सबसे बड़ा जुबानी वार किया है अपने प्रतिद्वंदी जेपी पर, जयप्रकाश, क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर हिसार लोकसभा से चुनावी रण में उतरे हैं। जयप्रकाश को लेकर कहा कि जयप्रकाश ने जो देवीलाल को अपने आप को उत्तराधिकारी बताया था कि वो देवीलाल के उत्तराधिकारी है, वो सिर्फ ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया थे, न कि देवीलाल के नजदीकी, उन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी की है, मुझे हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जयप्रकाश भी दावेदारी ठोक रहे हैं चुनावी रण में, साथ में उनकी दावेदारी इस बात को लेकर कि अगर बाकी चौटाला परिवार के लोग हैं तो वो भी चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी हैं, उनके साथ काम किया है, उनसे राजनीति सीखी है। इसी पर रणजीत चौटाला ने वार किया है जयप्रकाश पर। रणजीत चौटाला ने यह भी कहा कि सभी वर्ग का समर्थन उनको मिल रहा है, सावित्री जिंदल मेरे साथ वोट मांग रही है, बेटे को छोड़कर मेरा सहयोग कर रही हैं। आपको बता दें रणजीत चौटाला को जब से बीजेपी ने टिकट दी है तब से लगातार उनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं तो साथ ही कुलदीप बिश्नोई परिवार की तरफ से भी इतना खुला समर्थन अभी तक उनको नहीं मिल पाया है।
लोकसभा का चुनाव अपने पूरे चरम पर है और नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लगातार प्रचार चल रहा है। हम हिसार लोकसभा के अंदर मौजूद हैं और सुबह से लेकर अब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है और चौधरी रणजीत सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो प्रचार कर रहे हैं। सावित्री जिंदल जो कि हिसार की रहने वाली हैं, पूर्व मंत्री हैं, साथ में प्रचार कर रहे हैं। हम चौधरी रणजीत सिंह जी से बात करेंगे तो ये सब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले विधायक का सफर, फिर मंत्री का सफर, अब सांसद की डगर पे रहे। आप एक अंदाजा लगाएं कि जब माँ अपने बेटे का चुनाव छोड़ के मेरे लिए यहाँ आ रही है तो फिर चुनाव में कहीं कमी है क्या? इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं तो बहुत इन्हें धन्यवाद करता हूँ कि नवीन का चुनाव छोड़ के यहाँ आए हैं। और आपने देखा ये किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद। एक तरफा मामला है, आपसे बताया सब, हमारा तो तीन दिन से इलेक्शन इतना उठ गया और जेपी का चुनाव तो नीचे जा रहा है, कांग्रेस का एक दिन उठाए उस दिन, उसके बाद कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। अभी आपका भव्य बिश्नोई एक हफ्ता हल्के में रोज 20-20 गांव, कैप्टन अभिमन्यु तीन दिन लगा के फिर आ रहे हैं और इधर बहन जी आ गए, ये लगे हुए हैं, बाकी हमारे सारे जो भी राम श्याग एमएलए जो थे वो भी आके हमारे साथ लग गए। अब तो एक तरफा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी तीन तो आप एक परिवार के ही हैं, वहीं जो जयप्रकाश हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं भी उनका कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी हूं। जयप्रकाश जो ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया रहो, सरगना रहो, ऐसा आदमी कोई चौधरी देवीलाल के परिवार के नजदीक खड़ा हो सकता है क्या? हम मानेंगे, कोई हरियाणा मानेगा? चौधरी देवीलाल जिंदगी भर संघर्ष करा उन्होंने, वो ईमानदार आदमी रहे, कभी कोई उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठी। उसके साथ एक ग्रीन ब्रिगेड का सरगना साथ खड़ो, कैसे हम मानेंगे? हम परिवार का कैसे हिस्सा मानेंगे? हाँ, हम तीन परिवार के लड़ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, हमारे बच्चे हैं, डेमोक्रेसी, हर आदमी का अपना अधिकार है चुनाव लड़े। चुनाव के बाद हमारा वही परिवार रहेगा, वैसे हम दिवाली होली पे सब इकट्ठे होते हैं, प्यार है, शादी ब्याह में हमारे बच्चे हैं, आज भी बच्चे हैं, कल भी बच्चे रहेंगे। विधानसभा में भी हम देखते थे कि विधानसभा में नैना चौटाला कहती हुई नजर आती थी कि आप तो मेरे ससुर हो, मेरे को तो ये चीज देनी ही पड़ेगी, कोई चीज की मांग करती थी, तो कहीं ना कहीं अब भी आमना सामना होता है चुनाव के दौरान भी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, पर आएंगे तो हमारे बच्चे। जब विधानसभा में शपथ हो रही थी, मैं शपथ लेके वापस आ रहा था तो आपने देखा नैना और दुष्यंत दोनों ने मेरे पैरों के हाथ लिया। बच्चे हैं वो तो देखो, माँ बाप के बच्चों के रिश्ते वही रहते हैं, वो तो जन्म तक के हैं, जन्म से लेके जब तक है तब तक का है, वो एक अलग विषय है। ये तो हम नहीं मांग, ना मेरे से मांग रहे, तो लोगों से मांग रहे हैं लोग। हमारे जो देवीलाल कहते थे कि उत्तराधिकारी मैं नहीं तय करूंगा, उत्तराधिकारी जनता तय करेगी, जनता जिसको बनाएगी वो उत्तराधिकारी हो जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल कहती है कि देवीलाल के उत्तराधिकारी असली तो हम हैं, चौधरी रणजीत सिंह तो पहले ही चले गए थे, आमने सामने चुनाव लड़ा था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। देखिए ओम प्रकाश जी में दो भाई हैं आज जो हैं, तो हम दोनों में होगा कौन होगा? वो बड़े थे उन्हें पहले बना दिए, अब वो 91 में है और मैंने अभी 10 साल राजनीति करनी है, तो अब तो मैं होऊंगा, बच्चे कैसे होंगे? हिसार में किस तरह से का मुकाबला देखते हैं और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठा रहे हैं जनता के? कांग्रेस मुकाबले नहीं, कांग्रेस से खत्म होगी पार्टी, 10 साल से खत्म है। पिछली बार हुडा साहब और उसका बेटे दोनों हारे थे, अब के उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्या अलग अलग लड़े, अब वो ये समझ रहे हैं एक लड़ दो कहीं जान बच जाए, कहीं है नहीं, कांग्रेस खत्म है, 10 की 10 सीट हम जीते। आप सांसद बनने के लिए क्या आए? पीछे सरकार ही हिल गई, तीन जो निर्दलीय थे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और सरकार अल्पमत में आ गई। आता है ना चुनाव, आता है तो बहुत लोग अपने ठिकाने ढूंढते हैं, जहाँ देखेंगे यहाँ तो दुनिया भर की लाइन लगी है, यहाँ टिकट नहीं है तो अपने टिकट लेने के लिए चले गए। मेरे दोस्त रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उन्हें आज भी मैं अपने मानता हूँ, पर आदमी अपना पॉलिटिकली भविष्य तय करता है, उसे यहाँ टिकट नहीं दिख रही तो वहाँ चले गए, अब उनका निर्णय। ये उधर से भी इधर आते हैं, अब जोगी राम जी इधर आ गए, ये चलता रहता है। इस तरह की चुनावी प्रक्रिया में चुनाव से पहले ऐसा अक्सर होता है। लोकसभा का चुनाव कैसे मानते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये राहुल बनाम मोदी का चुनाव है, लेकिन जो दूसरे पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़िए, स्थानीय मुद्दे हैं उनको बताइए, उनको सोल्व करवाइए। लोकसभा का चुनाव स्थानीय नहीं होता, लोकसभा का चुनाव देश का होता है, देश के हित का होता है। ये राष्ट्रीय लोकसभा है, देश की लोकसभा बन रही है, ये विधानसभा में एमपी बनकर नहीं जा रहे, लोकसभा में जा रहे हैं। आपके जो सांसद थे पहले यहाँ ब्रजेंद्र सिंह, वो पार्टी छोड़ करके चले गए, कांग्रेस में चले गए, वहाँ भी टिकट हाथ नहीं लगी, कैसे देखते हैं आप? वो कांग्रेस को हराने में लगे हैं, जितने एक हुड्डा छोड़ के सारे जितने हैं कांग्रेस में सब उसको हराने